नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत। स्वास्थ्य के ठीक न होने के कारण कई दिनों के पश्चात ये वीडियो लेक्चर आज आपके लिए तैयार किया है, जिसमें आज हम सरकार के संगठन के बारे में यानी यूनिट पेपर्स फर्स्ट का यूनिट सेकंड में का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है कि व्यवस्थापिका पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यह हम फर्स्ट ईयर में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। आज हम व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य एक अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अस्तित्व को हम पहचान सकते हैं। राज्य समाज का एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र के सभी संगठनों से सर्वोच्च होता है। राज्य जिन चार तत्वों से मिलकर बनता है उसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार। आप सभी जानते हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चार चीज़ें राज्य निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। डॉक्टर गार्डनर ने परिभाषा दी थी कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन के द्वारा होती है उसका नाम सरकार होता है। इस तरह सरकार राज्य का आवश्यक अंग है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में कहा गया कि सरकार सामाजिक जीवन के उस पहलू से जुड़ी हुई है जो सहमति और नियंत्रण, शक्ति एवं प्राधिकार पर केंद्रित है। सरकार व्यक्तियों के एक समूह से बनी है जो शक्ति के प्रयोग में एक निश्चित नेतृत्व के माध्यम से हिस्सा लेती है। हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। आप सब ये चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार अनेक कार्यों को करती है। इसलिए शक्ति पृथक्करण, यह सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था, इन्हीं के नाम से ये जुड़ा हुआ है। मोंटेस्क्यू के पूर्व भी अनेक लेखकों ने इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन बहुत विस्तार से जो कहा वो मोंटेस्क्यू ने कहा। मोंटेस्क्यू ने शासन के कार्यों को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की, जिसमें व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करेगी और न्यायपालिका को विधि की व्याख्या अथवा उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए अधिकृत किया गया। मोंटेस्क्यू ने न केवल शासन की तीनों शक्तियों को पृथक रखने का सुझाव दिया बल्कि यह भी कहा कि उनका संचालन भिन्न भिन्न शक्तियों को पृथक पृथक करने का सुझाव भी दिया। मोंटेस्क्यू का यह विचार भी था कि इन तीनों शक्तियों को एक ही निकाय के पास अगर केंद्रित कर दिया जाए तो मानव की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। वर्तमान में संपूर्ण जो हमारा ये विषय है वो सरकार के संगठन यानी सरकार के तीनों अंगों के बारे में है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शुरुआत करेंगे हम व्यवस्थापिका से। व्यवस्थापिका को सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दोनों अन्य निकायों की तुलना में ये अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कार्य और दायित्व अधिक हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, एक निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है, क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से जनता अपनी संप्रभु शक्ति अपने प्रतिनिधियों को सौंपती है। हम चुनाव करते हैं जनमत के आधार पर, व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते हैं क्योंकि
वो निर्वाचन के माध्यम से जनता अपनी संप्रभु शक्ति अपने प्रतिनिधियों को सौंपती है। तो इसलिए व्यवस्थापिका को जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका के द्वारा जनता की या राज्य की जो इच्छा है उसको अभिव्यक्त किया जाता है और उन्हें कानून का रूप प्रदान किया जाता है। व्यवस्थापिका का महत्व किसी भी देश की शासन व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। यदि अधिनायक या निरंकुश शासन है तो वहाँ की व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम होगी, क्योंकि व्यवस्थापिका अधिनायक के हाथ में कठपुतली मात्र बन जाएगा। जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ भी व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व कार्य निश्चित एवं सीमित मर्यादित होते हैं और कार्यपालिका निकाय पर उसका कोई प्रत्यक्ष व प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। किंतु जब हम इंग्लैंड और भारत जैसे संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो वहाँ व्यवस्थापिका का महत्व अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इन देशों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पर अंकुश रखने की अपेक्षा की जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका पर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है और वास्तविक जो कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है। इन देशों में व्यवस्थापिका केवल कानूनों का निर्माण नहीं करती बल्कि प्रशासन की नीति भी निर्धारित करती है। संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका कैसा आचरण करे यह देखने का काम भी एक सीमा तक व्यवस्थापिका के पास ही है, क्योंकि वही कानूनों का निर्माण करती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी हम देखेंगे कि वो भी व्यवस्थापिका के माध्यम से किया जाता है। तो सैद्धांतिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका सरकार के अन्य निकायों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में है। यहाँ हमने कुछ एक चार्ट दिया है जहाँ हर देश की व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में हम इसे संसद पार्लियामेंट कहते हैं, वहीं अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में इस चार्ट के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये तो बात हमने की आज व्यवस्थापिका के बारे में, व्यवस्थापिका क्या है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि संसद या व्यवस्थापिका का प्रारंभ जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के राजा ने सर्वप्रथम अपनी नीतियाँ लागू करने के लिए जितने धन की ज़रूरत थी उसकी स्वीकृति पाने के लिए संसद की पहल की थी। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि प्राचीन काल में लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं का ज्ञान नहीं होता था। आधुनिक प्रतिनिधि शासन प्रणाली का आरंभ जर्मनी में प्राचीन ट्यूडर की जनसभाओं में देखा जा सकता है, जिसमें कबीले के प्रमुख भाग लेते थे। संसद की जननी के रूप में हम इंग्लैंड को देखते हैं, वहीं धीरे धीरे संसद ने आधुनिक जनप्रतिनिधि सभा का रूप धारण कर लिया है। आज हम व्यवस्थापिका पर जो हमने चर्चा की, अब उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, व्हाट इज़ द फंक्शंस एंड रोल ऑफ लेजिस्लेचर। कार्य प्रायः सभी देशों में एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा अधिनायक तंत्र में कार्य अलग होंगे, संसदात्मक व्यवस्था में अलग कार्य होंगे, अध्यक्षात्मक में अलग। शासन की पद्धति पर इसकी कार्य भूमिका निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, यदि सरकार का रूप निरंकुश राजतंत्र जैसा है तो व्यवस्थापिका की भूमिका केवल परामर्शदात्री होगी। हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो तानाशाह हुए उन पर व्यवस्थापिकाओं के सभाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वही उनका शासन था, वही उनका तानाशाही व्यवस्थापिका, तानाशाही कार्यपालिका थी। यदि शासन का स्वरूप भारत और इंग्लैंड की भांति संसदात्मक है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक और विस्तृत हो जाती हैं। इन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का अपने पद पर बना रहना इस बात पर निर्भर होता है कि उन्हें व्यवस्थापिका में बहुमत कब तक
मिला हुआ है। इसी तरह शासन का स्वरूप अगर अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ अलग प्रकार की होंगी। यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही अपने क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट होकर के, अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर के कार्य करेंगी। यदि शासन का स्वरूप रूस की भांति, सोवियत रूस की भांति सर्वसत्तावादी है या पाकिस्तान और बांग्लादेश की भांति शासन में के घोषित और अघोषित रूप में अंतर पाया जाता है तो व्यवस्थापिका की शक्तियां लगभग वैसी ही होंगी जैसी उस देश के वास्तविक संचालनकर्ता के द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे देशों में व्यवस्थापिका की शक्तियां सर्वोच्च नहीं होती, उनका कार्य कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों पर केवल मात्र मोहर लगाना हो जाता है। जो आज हम चर्चा करेंगे या जो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे वहाँ हम लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका के कार्य हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज हमने एक संक्षिप्त परिचय लिया, कल हम इसके कार्य और भूमिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों में क्यों कमी हो रही है उन सब कारणों पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है। आप सभी का धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप सब लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारे YouTube पर सूचनाएं मिलती रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।